नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज बिटकॉइन जो है तकरीबन 20,000 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, ट्यूसडे है आज। तो 20,000 यूएस डॉलर के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। 5% के आसपास का इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटे में, जो कि एक ठीक ठाक फिगर बैठती है। लेकिन यहाँ अब एक चीज जरूर ये समझ लें कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब ट्रेंड शुरू हो रहा है। 5% की तेजी एक्चुअल में कई कारण से हो सकती है। मान लीजिए किसी बड़े फंड हाउस ने कुछ बाय करने का मान लीजिए डिसीजन लिया, तो उसी बाय के अगेंस्ट भी ये हो सकता है। या इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जैसे ही ग्रीनरी दिखाई देने लगती है, रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको खरीदना शुरू कर देता है। चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे उसको ये लगता हो कि अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो प्राइस ग्रीन में दिखता है तो वो उसको बाय करने का, अगर उसका बाय करने का प्लान है तो वो उसको बाय करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ ये इसीलिए मार्केट को कई बार थोड़ा सा इसलिए भी ऊपर उठाया जाता है कि जो इन्वेस्टर जो है बाय करने की सोच रहे हैं लेकिन प्राइस गिरने का इंतजार कर रहे हैं, वो इसमें फंसे या इसको सोचे कि शायद प्राइस बढ़ रहा है और वो उसको खरीदना शुरू कर दें। तो 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये 4-5% की जो तेजी है वो आई है। बुल रन की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो अगर मैं आपको ये बोलूं तो बेसिकली आप बुल रन में और जो मैंने अभी डिस्कस किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं। इसी तरह एक दिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे चलती मार्केट एकदम से बुल रन में चली गई। वो आप इसको आप बिलीव नहीं करोगे। आप सोचोगे यार अभी कल तो जो है बिटकॉइन इतने का चल रहा था, आज इतने का हो गया, शायद बुल ट्रैप है। अगले दिन वो फिर थोड़ा सा चढ़ता है, उसके बाद वो बहुत सारा चढ़ता है, फिर वो एकदम से उसको नीचे गिरा के पुराने प्राइस पे लेके आते हैं, फिर उसको जो है वो और ज्यादा पिछले वाले प्राइस से भी ज्यादा ऊपर उठा के ले जाते हैं। वो जो है एक्चुअल बुल रन होता है। आप इसको चेक करना, जो मैं आपको आज बता रहा हूं, एक्चुअल जो बुल रन होगा वो इसी तरीके से काम करेगा। एकदम धीरे से आएगा, एक दिन लंबा झटका लेगा, 2-3 दिन ऊपर रहेगा और उसके बाद एक दिन बड़ी जोर से नीचे गिरेगा और उसके बाद वो ऊपर की चढ़ाई की शुरुआत कर देगा। और जितना लंबा बेयर रन चलता है उससे तकरीबन आधा या उससे थोड़ा सा कम जो है बुल रन चलता है। अगर मान लीजिए 8 महीने बेयर मार्केट चली है तो आप मान के चलिए बुल मार्केट जो है वो 3-4 महीने मिनिमम चलेगी। तो उस दरमियान ये नहीं है कि प्राइस नीचे नहीं आएगा, प्राइस लंबे लंबे झटके मार के नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो पिछले जो हाई होगा उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं रुकेगा। तो ये सारी सिचुएशंस जो है मार्केट में बन के आएंगी, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह ही चलेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे ही बुल मार्केट आएगी उस दिन आप देखना महंगे प्राइस में बिटकॉइन, इथरम, मैटिक, डॉट, जिल, वेट खरीदने वाले जो है दौड़ दौड़ के मार्केट में आएंगे, जबकि खरीदने का समय अब है। आपको बहुत अच्छे प्राइस पे सारी क्रिप्टो मिल रही हैं, उसको खरीदिए, आराम से बैठिए, स्टेकिंग में डालिए, उसको बढ़ने दीजिए और उसके बाद बुल रन का मजा लीजिए। और जैसे ही बुल रन आए और लोग इसको खरीदना शुरू कर दें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना शुरू हो जाए, आप निकल जाएं। ज्यादा इंतजार ना करें, ज्यादा बाइंग ना करें, जो बाइंग करनी है अब कर लें। उस मार्केट में आपको बाय नहीं करना है, उस मार्केट में हम सेल करेंगे। उस मार्केट में यहाँ आप चिंता की लकीरें देखोगे, जो आज मैं आपको खुश दिखाई देता हूँ उस दिन यहाँ चिंता की लकीरें होंगी कि यार ये मार्केट कब गिरना शुरू करेगी, क्योंकि इतना ये चढ़ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी अगर आप बेच भी दोगे, ये भी पॉसिबल है कि और चढ़े उसके बाद, ताकि वो आपको उसमें फंसाए, आपको ये लगे यार अभी ना बेचता तो मैं और आगे जा सकता था, और पैसा कमा सकता था। तो हो सकता है एक आधे झटके में आप कमा भी लें, तो वो जो दूसरा बुल ट्रैप होगा, तीसरा बुल ट्रैप होगा, उसमें वो आपको फंसा के एक दिन धड़ाम से 50-60% मार्केट गिराएगा और आपको टॉप पे टांग के आ जाएगा। तो ये चीज का आपने दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी बुल रन आए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आ जाए, लीजिए, चुपचाप निकल जाइए, उसके बाद फिर पेशेंस से इंतजार करिए, जैसे आप अब कर रहे हैं, जैसे आप
अब जो है इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट बुल रन में आए, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में आए, तो मैं प्रॉफिट जो है कमाना शुरू करूं। तो ये पूरा सिस्टमैटिक इसी तरीके से ही आपको चलना है। इसमें ना कुछ आपको प्लस करना है, ना कुछ आपको माइनस करना है। और एक बार प्रॉफिट लेके जब आप एग्जिट कर गए, कितना भी प्राइस बढ़ जाए दोस्तों, एंट्री मत लेना। मैं फिर बता रहा हूं, उस टाइम एंट्री मत लेना। उसके बाद फिर पेशेंस से इंतजार करेंगे, जैसे हम अब कर रहे हैं। उस टाइम भी हम लोग पेशेंस से इंतजार करेंगे और फिर मार्केट जब धड़ाम से गिरेगी, बेयर रन आएगा, फिर हम पेशेंस के साथ डीसीए करते हुए स्लो बाइंग करेंगे। तो दोस्तों ये रूल ही हमने फॉलो करना है और किसी रूल के चक्कर में ना पड़े, डे ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े, नहीं कमा पाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, आप नहीं कमा पाओगे डे ट्रेडिंग में, मत जाइए। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसी से ही आप पैसे कमाओगे और बहुत कमाओगे। लेकिन पेशेंस वाला गेम है दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ेगा। कमाई करने का दोस्तों यही तरीका है, और जिस दिन आप इसको समझ जाओगे, उस दिन आप इस क्रिप्टो मार्केट के धुरंधर में से एक होगे। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की जानकारी के लिए। धन्यवाद।